ईमेल। सबसे पहली बात है ईमेल क्या समझ लीजिए, एक सामान्य जानकारी इसके बाद इस शब्द के बारे में तो आप जानते हो, इन शब्दों के बारे में तो क्या करते हो आप लोग जानते हो, परंतु इसके बारे में डिटेल में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लियर है क्या, व्हाट इज द ईमेल? इन शॉर्ट ईमेल इज जस्ट ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ यस, चलिए हियर इज, हाँ बाधा नहीं, हियर इज यू टॉपिक फॉर यू ईमेल। कई लोगों के लिए नया टॉपिक है, जो टेंथ में बच्चे हैं उन्होंने जरूर नाइन्थ में इस टॉपिक के बारे में जाना होगा। क्लियर, अब है क्या चीज ये देख लीजिए, पहले इससे समझ लीजिए, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अच्छा बेटा इधर आगे से इधर जाओ, ये चूंकि देखिए मैंने आपको लेटर राइटिंग पूरा पढ़ा दिया, लेटर राइटिंग और ईमेल में से एक पूछेगा, मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूं, क्यों दोनों पढ़ा रहा हूं, कारण क्या बता दूं मैं आपको, कई बार क्या होता है कि लेटर बहुत कठिन आ जाए, आप अकेले लेटर की तैयारी करो और लेटर बहुत कठिन आ जाए, तो उस कंडीशन में आप लेटर बहुत ज्यादा यदि कठिन आ जाए तो फिर वो लेटर आपसे होगा नहीं, और ईमेल आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वो सरल होगा तो भी नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये कि दोनों में से जो सरल आ जाए कर लो। इसमें थोड़ा फायदा है, ईमेल में थोड़ा ये फायदा है कि इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत ईजी है, पर मेरा ये मानना है कि जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी है उसे लेटर राइटिंग लिखना चाहिए, क्योंकि लेटर में आपको बहुत सारे चार पांच वाक्य देगा वो, और चार पांच वाक्यों से आप क्या करते लेटर आराम से बना सकते हो जिसकी ग्रामर अच्छी है। ईमेल शॉर्ट एंड स्वीट होता है। अब सबसे पहली बात है कि ईमेल है क्या, इसे समझ लीजिए, अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए। आपने आपके मोबाइल में एक देखा होगा जीमेल लिखा हुआ आता है, मैं आपको भी बता दूंगा, मैं जीमेल लिखा हुआ आता है वो एक्चुअल में वही ईमेल है, पर वो जीमेल इसलिए नाम है उसका क्योंकि वो गूगल से ऑपरेट हो रहा है, वो यदि हॉटमेल से ऑपरेट होता तो उसका नाम जीमेल की जगह हॉटमेल होता, आर्कुट होता, अलग अलग बहुत सारे सर्वर होते हैं। ये क्या है इस चीज के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ये आज की दुनिया का सबसे तेज गति से संदेश भेजने का साधन है, व्हाट्सएप भी है, पर व्हाट्सएप में आप 30-40 MB के बाद भेज नहीं सकते, कोई बड़ी फाइल है वो भेज नहीं सकते, आपको 1000 फोटो एक साथ भेज दियो उसकी एक साथ उसकी वीडियो उस नहीं जाएगा, 30-40 MB से ज़्यादा उसमें जा नहीं सकता है। ईमेल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें कितनी भी बड़ी फाइल हो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ईमेल सिक्योर है। ईमेल क्या है, बिल्कुल भी सिक्योर है। अब कैसे सिक्योर है इस चीज को समझिए, क्योंकि यदि आपकी ईमेल आईडी है तो फिर वो ईमेल आईडी दुनिया में सिर्फ आपकी ही है। इस धरती पे यदि 200 से 300 करोड़ ईमेल आईडी भी है, सब अलग अलग, कोई भी ईमेल आईडी दूसरी ईमेल आईडी से मिल नहीं सकती है, पहली चीज। दुनिया में सबसे सुरक्षित चीज रखने की कोई चीज है तो वो आपकी ईमेल है और ईमेल का पासवर्ड, ये दोनों कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ईमेल तो सबको पता होता है पर उसका पासवर्ड क्या है ये किसी को तुम्हारे अलावा पता नहीं चलना चाहिए, यदि किसी को पता चलता है तो फिर आपकी बहुत सारी सूचनाएं अगला चुरा लेगा, क्योंकि देखो आज आपने देखो अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाखों करोड़ अरबों रुपए के फ्रॉड होते हैं क्योंकि ईमेल आईडी की पासवर्ड को चुरा लेता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे ईमेल आईडी की पासवर्ड ये आपको कहीं पर भी लिख के नहीं रखना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर ये चीजें लिखने की नहीं होती है कि ईमेल आईडी पासवर्ड करके डायरी में लिख दो, डायरी किसी के हाथ में लग जाए तो फिर वो काफी कुछ सूचना लीक हो सकती है, और इसके माध्यम इसके द्वारा जो दिए गए संदेश होते हैं वो कभी भी दूसरा नहीं पढ़ सकता है, आपके व्हाट्सएप को कोई भी खोल सकता है पर ईमेल को नहीं। ये अब है क्या, देखिए मैं बता देता हूं, उसमें कुछ दो तीन चीजें मुझे बतानी जरूरी है। ईमेल का पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें अलग अलग, जैसे कि बाय द वे देखिए कि मेरी ईमेल आईडी बनाई है मैंने,
बहुत सालों पहले। ये देखो इसमें ज्यादातर ईमेल आईडी बड़े, अभी आप बनाने बैठोगे ना एक तो ईमेल आईडी बनेगी, क्योंकि तो जैसे आप बनाने बैठोगे ना आपको पता चलेगा वो मना कर देगा ये ईमेल आईडी पहले कहीं है। इसलिए क्या करना पड़ता है, कहीं आपने ईमेल आईडी देखी होगी, आपने आपका नाम लिखे 123 लिखते, आप सोचते हो यार ये 123 लिखने की क्या जरूरत है, वो नहीं इसलिए लिखते क्योंकि उसके बिना ईमेल आईडी बन नहीं सकती, क्योंकि तुम तुम्हारे नाम से बनाओगे पहले वो नाम कहीं के यूज हो चुका है वो ईमेल आईडी बन चुकी है। इसलिए इसको पढ़ते कैसे, जैसे sdmannath@gmail.com, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। ईमेल आईडी देखो, आप यदि स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ईमेल आईडी सबको बनानी पड़ती है, पर आप नहीं बनाते हो तो आपके बहुत सारे काम होंगे नहीं, क्योंकि जो भी कुछ करोगे ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इसके बीच में स्पेस नहीं होता है, पहली बात। और ईमेल आईडी कभी भी स्मॉल लेटर में ही बनती है, आप इसको यदि कैपिटल करना चाहो तो कैपिटल नहीं करेगा वो, इससे क्या कर देगा वो स्मॉल कर देगा। अब ये क्या भला है वो देख लीजिए, जीमेल, जीमेल की जगह हॉटमेल भी हो सकता है, क्या हो सकता है हॉटमेल भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे इसके सर्वर होते हैं, उन सर्वरों में कोई भी हो सकता है। जैसे याहू, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट इंडिया, उसकी भी अपनी वो होता है, ये सर्वर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर्वर। ये जीमेल क्या है इसे समझ लीजिए, व्हाट इज द जीमेल, जीमेल ऑपरेट होता है गूगल से, पर आपने देखा होगा कि गूगल सबका बाप है, आप कुछ भी बोल जाओ उसके ऊपर, वो बटन दबा के कुछ भी सवाल पूछो उसका जवाब मिलेगा, यदि सवाल बाकी सवाल हो तो बाकी सवाल मतलब कोई जानकारी आपको चाहिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो गूगल पे नहीं मिलेगा, और क्विक ए सेकंड मिल जाएगा। तो ये जो जीमेल है ये गूगल के द्वारा स्काइप का सर्वर होता है, सर्वर का मतलब ये आप यहां से जैसे ही sdmannath@gmail.com पे जैसे ही आप कोई मेल करोगे तो वो सीधा वो गूगल का जो सर्वर अमेरिका में लगा हुआ है तो वो मैसेज वहां तक जाएगा, वहां से वो उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी आपने डाली है उसके ऊपर तुरंत भेज देगा, उसके कंप्यूटर पे चला जाएगा। यदि आप देखिए, यदि आप कंप्यूटर को खोलते हैं, यदि कंप्यूटर के मेल वाले ऑप्शन में जाओगे तो इस प्रकार से एक विंडो खुलता है, ये कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी अभी मैं बता दूंगा, उस पर अलग टाइप से खुलता है, स्मार्टफोन में इस प्रकार का एक विंडो खुलता है, एक बॉक्स बना होता है, सबसे पहले यहाँ टू लिखा होता है, सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और मैसेज के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें आप चाहे जितना मैसेज लिख सकते हो, उसके अंदर आप चाहे तो फाइल अटैच कर सकते हो, इधर कॉर्नर में फाइल अटैच करने वाली एक बटन होती है, मैं आपको स्मार्टफोन में भी बता दूंगा आपको पता चल जाएगा, तो उसमें आप कोई भी ईमेल भेज सकते हो, जितने भी अखबार में जो खबरें छपती है वो व्हाट्सएप से कभी नहीं छपती है, आप व्हाट्सएप से भेज लो अगला नहीं छापेगा, उसके लिए पर्टिकुलर हमें क्या करना पड़ता है, ईमेल भेजना पड़ता है, उसके अंदर फोटो अटैच करने पड़ते हैं। ये कैसे करते हैं इसको मोबाइल के माध्यम से बताऊं मैं, मोबाइल है इसके पास, चलो मेरा ही जाएगा, यही करता रहूंगा जिंदगी भर। आपके मोबाइल में इस प्रकार से ऐप खुलते होंगे, जैसे मेरे से खुलने किसी और के, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊपर से थर्ड नंबर जीमेल लिखा हुआ है, जैसे ही ये जीमेल, जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करता हूं, अब मेरे इसमें हजारों अनरीड मैसेज पड़े हुए, ईमेल पड़े हुए जो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है, जो भी सूचना है, पर मुझे यदि मेल करना हो जैसे देखिए, मैं जैसे ही मेल के लिए एक प्लस की बटन आती है, प्लस की मतलब कि ये देखिए वापस देख लीजिए आप इसे, ये मेरे इसमें ग्रुप में पड़े हुए इनबॉक्स में मैसेज पड़े हुए हैं,
ये प्लस की बटन दिख रही है, जैसे ये प्लस की बटन में दबाऊंगा यह एक बॉक्स खुलेगा इस प्रकार से, कंप्यूटर के विंडोज में वैसे खुलेगा। इसमें ये देखिए, यदि इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर सबसे पहले फ्रॉम मतलब कि जो ईमेल करने वाला है, ईमेल आईडी आ रही है sjmannath@gmail.com, मतलब मैं कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे यहाँ पर ईमेल करना है, जिसको सूचना देनी है, मेल करना है। टू के बाद उसकी ईमेल आईडी, जैसे मेरी ईमेल आईडी वैसे दुनिया में और दूसरों की ईमेल आईडी है, उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी आपने गलत डाल दी, वो ईमेल आईडी अस्तित्व में नहीं है तो मना कर देगा, वो स्पष्ट मना कर देगा। उसके बाद ये देखिए, इसमें सीसी और बीसीसी, इस जो मोबाइल का जो वर्जन है एंड्रॉइड में उसमें नहीं है, वो सिर्फ किस में अवेलेबल है, वो कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जैसे वो ईमेल आईडी जो विंडोज खुलता है उसके अंदर सीसी और बीसीसी लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है या सब्जेक्ट, जैसे आपने टू पर जिसके ऊपर मेल करने डाला, फिर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं लिखूं न्यूज़ फ्रॉम टोकर या कोई सब्जेक्ट है वो डाल दिया। फिर यहाँ पर नीचे वापस आप कीजिए कंपोज मेल, क्या है मतलब मेल को आप क्या कर रहे हो, आप कंपोज कर रहे हो, अर्थात कि क्या लिखना है। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको इसके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ, इसे समझिए। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएंगे, उसमें ईमेल वगैरह उसमें आईडी लिखी हुई होगी। अरे हाँ, अब यहां पर देखिए इन चीजों के मतलब क्या है उसे समझ लीजिए। ये टू सी सी बीसीसी सब्जेक्ट, ये क्या चीज है बता दूं मैं आपको। टू का मतलब कि इसमें तारीख वगैरह कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वो तारीख वगैरह वो खुद ही कंप्यूटर अवेलेबल करा लेता है, स्मार्टफोन अवेलेबल करा लेता है, क्योंकि जैसे ही भेजोगे तारीख उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक वो आ जाती, इतनी तारीख को इतनी बजकर इतनी मिनट पे मेल आया, क्लियर। जिसके ऊपर मेल भेजना है वहां पर क्या करेंगे हम, उसका एड्रेस लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि जो मेल आप किसी एक व्यक्ति को भेज दो, वो मेल यदि किसी दूसरे को भी भेजना है तो उसकी ईमेल आईडी लिख दो। और आपको लगता है कि तुम्हें 50 लोगों को ईमेल भेजना है, जैसे लोग अपने शादी जो पत्रिका वगैरह होती है वो आजकल मेल कर देते हैं, ठीक है, और 100 लोगों को है तो बीसीसी के अंदर यदि 100 लोगों को यदि वही मेल 100 लोगों को भेजना है तो इसके अंदर उन सभी की ईमेल आईडी क्या करेंगे हम डाल देंगे, तो वो एक क्लिक के अंदर ही 100 लोगों के पास वो आपका मेल चला जाएगा, क्लियर। और उसके बाद यह सब्जेक्ट, आप जो मेल भेज रहे हैं ऐसे बहुत सारे, जैसे मेरे इसके अंदर ही देखो जंक मेल, स्पैम मेल, ये बहुत सारे हैं फालतू के मेल, मैंने उन्हें कैटेगरी वाइज बांट दिया, फालतू के मेल आते ही नहीं मेरे पास। यदि सब्जेक्ट किसी ने टाइटल ढंग का लिखा हुआ होगा और जो मेरे काम का होगा तो फिर वो मेल मेरे तक आएगा, तो यार इसलिए सब्जेक्ट आपको लिखना बहुत ही अनिवार्य है, मतलब कि बहुत ही जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो वो लिखना अनिवार्य है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे इसको आपको लिखना चाहिए, ये थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं बता देता हूँ, आप मेरे साथ चाहे तो लिख सकते हैं, 2 मिनट के लिए बंद कर लेता हूँ। हाँ यस, साइलेंट आवाज आती है वीडियो में। हाँ देखिए, हियर इज टू क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इमेजिन दैट यू आर सुनील, माना कि तुम सुनील हो, कंपोज एन ईमेल ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल द नॉन कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। अपने प्रिंसिपल का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करिए कि इंग्लिश और मैथ्स में कोर्स आपका अनकम्प्लीट है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीजन, कोर्स अनकम्प्लीट क्यों है, रीजन शामिल करना, मतलब इसमें रीजन का उल्लेख करना मत भूलो। ईमेल आईडी क्या है, प्रिंसिपल GSS टोंग के, टोंग 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 के, ठीक है, टोंग @gmail.com। आपको किसके ऊपर ईमेल लिखना है, इस प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है ना। सबसे पहले ईमेल आईडी
लिखते समय ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बॉक्स बना दिया एक अक्षर कैपिटल हो गया जिसे सॉल्व करने के लिए काटना पड़ेगा और काट छाट इसमें चलेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखना है पहले से अपने माइंड को ये कर देना कि एवरी लेटर शुड बी स्मॉल। ओके, जैसे सबसे पहले ईमेल आईडी डाल देंगे, प्रिंसिपल क्या है और कोई स्पेस नहीं होगा इसमें, जीएसएस टॉक। और ये कई लोगों को ये एट बनाने नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं उसको बनाने का सिंपल तरीका। सबसे पहले क्या करो, ए बनाओ ये पूरा, पूछ बना ये राइट, देखिए ये पूछ पूछ, देखिए ये जलेबी, उस पूछ को पकड़ के घुमा दो, ठीक है ना, जस्ट लाइक ए जलेबी। हाँ, ये मैंने जैसे इस प्रकार से पहले ईमेल आईडी लिखी है। हाँ समझिए, अब ले इधर ध्यान दीजिए और वहां पर ये जो बॉक्स बनाओगे ये इसे परफेक्ट डॉट ये लगाना जरूरी है, ये भी नहीं लगा इसमें से ईमेल आईडी में हल्का सा भी ये डॉट भी आपने नहीं लगाया तो वो मेल पहुंचेगा ही नहीं, वो बना कर देगा। ईमेल आईडी परफेक्ट होगी तो ही मेल जाएगा, नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो मना कर देगा। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से आपने ईमेल डाल दिया। अब ये सीसी और बीसीसी का मतलब नहीं है, यदि वो कह दे प्रश्न में ही ऐसा सबमिट कर दे कि ये इस दूसरे व्यक्ति को और भी भेज दी है तो दूसरा जो ईमेल है वो कहाँ डाल देंगे, सीसी में डाल देंगे, पर वो देता नहीं है। और बाय द वे दे दे तो एक ही इस टू वाले में दो ईमेल आईडी नहीं आएगी, एक ही आएगी, दूसरे पे भेजना है तो सीसी में और 550 को भेजना है तो फिर बीसीसी, ठीक है ना। या तो ये होगा जैसे कि दो से ज्यादा को भेजना है तो वो दो से ज्यादा किस में चले जाएंगे, इसमें सिर्फ, इसके अलावा एक को और भेजना है तो इसके अंदर, ये दोनों नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद है सब्जेक्ट, देखिए जो पहला लेटर है किसके लिए, इसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देखो क्या है, द नॉन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेबस, नॉन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेबस। अब किस किस विषय में हुआ ये पूरा डिटेल में हम लिखेंगे, सिर्फ इतना हेडिंग डाल दी, सब्जेक्ट विषय डाल दिया कि भाई ये कह रहा है, ताकि वो मेल आपका प्रिंसिपल पढ़ेगा। यहाँ पर जैसे कि इससे किससे शुरुआत करेंगे अपन, डियर सर से, किससे, और यहाँ लिख दोगे टेक्स्ट, डियर सर, ये वाली लाइन पूरी छोड़ देनी है। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू bring your kind attention about the non complication of syllabus। किस किस विषय में आप पूरा लिखो, बातें नहीं करनी है, इन English and mathematics। English and mathematics। किस किस विषय में अधूरा है English, उसने कहा है कि रीजन भी लिखना है। आप जैसे कि लिखेंगे द English teacher joined late। English teacher ने स्कूल क्या की थी, लेट ज्वाइन की थी, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज की जिससे मैथमेटिक के लिए अवर मैथ्स टीचर वाज इल फॉर वन मंथ, इसलिए एक महीने तक हमारे जो गणित के टीचर थे वो बीमार थे, सो इन दो सब्जेक्ट
अवर कोर्स हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। Has not been completed, इसलिए इन दोनों विषय में हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो we request यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर टू सब्जेक्ट, फॉर टू सब्जेक्ट। और इस पर थैंक यू वगैरह नहीं लिखना है, सीधे आप यहां लिखेंगे यूवर्स यूवर्स ऑबिडेंटली, क्या नाम था उसका, सुनील। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते थे, भले आप इसमें आप ये भी मेंशन आराम से कर सकते थे कि हमारे एग्जाम भी पास में है, मैंने मेंशन करना भूल गया, पर आप लिख सकते हो हमेशा जब भी ये बॉक्स बनाओ, बॉक्स का ये नीचे वाला भाग है इसको खुला रखना, पहले पैक मत कर देना। कई बार आप पैक कर लेते हो और फिर उसमें मेल आता नहीं है, फिर आपको हटा के फिर दूसरा बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे मेल आगे बढ़ता रहे वैसे वैसे बॉक्स को क्या करना, बढ़ाना। ये उतार दो, इतनी देर में मैं थोड़ा काम करूंगा। हाँ यस साइलेंट। नाउ हियर इज द सेकंड मेल, ये दूसरा मेल है। क्या कह रहा, देखिए यू आर गोरी ऑफ क्लास 10, क्लास 10 की तुम गोरी हो। राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। किसके ऊपर ईमेल भेजता है, राजस्थान पत्रिका का जो संपादक है उसके ऊपर। रिक्वेस्टिंग हिम टू पब्लिश मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अपने अखबार में ये जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं वो छापने के लिए आप क्या कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए द ईमेल एड्रेस raspatrika@gmail.com। इसके ऊपर आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी दे रखी है इसके ऊपर पहले है क्या देख लीजिए। अभी तो ऐसा बंद हो गया हालांकि, पर पहले जब हम पढ़ते थे उस समय राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर वगैरह इसमें जो बोर्ड के एग्जाम होते थे, अभी तो सिर्फ कोरोना पेपर छपता है, बाकी कुछ है ही नहीं अभी। तो पहले क्या होता था कि हर क्लास के हर अलग अलग अखबारों में हर क्लास के हर सब्जेक्ट के 10वीं और 12वीं के मॉडल टेस्ट पेपर आते थे, और वो अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर होते थे, बच्चे उसकी तैयारी भी बढ़िया करते थे, लोग कटिंग निकालते थे, उसकी फोटोकॉपी करवाते थे, ये सब होता था। क्योंकि पहले इतना जो अपने मोबाइल वगैरह सुविधा अवेलेबल नहीं थी कि कोई भी लेसन कहीं पर मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, ढूंढो, पहले कुछ नहीं मिलता था, इसलिए वो मॉडल टेस्ट पेपर भी काम आता था। यहाँ पर आपको एक ऐसा मेल लिखना है राजस्थान पत्रिका के एडिटर के ऊपर कि भाई आपका अखबार कई सालों से मॉडल टेस्ट पेपर प्रकाशित कर रहा है, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार भी अलग अलग विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर प्रकाशित करें। ये आपको लिखना है, ये मैं हिंदी में बोला हूँ, हिंदी में नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी क्या है, raspatrika@gmail.com। ए टिंडोरी बोल मत, raspatrika@gmail.com। आप एट भी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, raspatrika@gmail.com। सीसी या बीसीसी कुछ लिखना नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर टू पब्लिश मॉडल पेपर, क्या है टू पब्लिश मॉडल पेपर, ठीक है ना। यहाँ पर डियर सर नहीं लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखोगे, सर लिखोगे, ठीक है ना, सर यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि मैं 10वीं बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, और फिर अपनी बात शुरू करोगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th
बोर्ड दसवीं बोर्ड का मैं विद्यार्थी हूँ। आप कई सालों से अखबारों में मॉडल प्रेस पर प्रकाशित कर रहा हूँ। यू हैव बीन पब्लिशिंग मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ बोर्ड क्लासेस फॉर मैनी ईयर। कई सालों से आप क्या कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो मॉडल टेस्ट पेपर, आप प्रकाशित कर रहे हो। हमारे सीनियर कहते हैं कि ये वो मॉडल टेस्ट पेपर बहुत उपयोगी है। अवर सीनियर से दैट मॉडल पेपर आर वेरी यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। अर्थात की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो सभी मॉडल टेस्ट पेपर क्या है, बहुत उपयोगी है। सो वी रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ बोर्ड क्लासेस। इस प्रकार के लेटर में लिख सकते हो रेगार्ड्स, थैंक यू की जगह क्या लिख सकते हो रेगार्ड्स। और इस पर नीचे क्या लिखोगे, यूवर्स क्या लिखोगे बोलो, रिश्तेदार का लिख रहा है क्या, यूअर फेथफुली। वो तो प्रिंसिपल को था इसलिए हमने क्या लिखा था, ऑबीडियंटली। इसमें फेथफुली और नाम क्या दे रखा था, इसमें टेंथ क्लास लिख देना इस प्रकार से। ये आपका मेल कंप्लीट। मैं आपको ये मैंने बताया था कि कल आप एक काम करोगे, आप इस प्रकार से पेंसिल आपके स्केल की मदद से आप ऐसे डिब्बे बना के लाओगे ताकि जैसे मैं मेल लिखा दूं लिखना आपके लिए क्या होगा, आसानी, क्योंकि स्केल लेके तो आप लोग आओगे नहीं। और कम से कम देखिए यदि ये क्वेश्चन आता है और यदि आपने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होता है इस प्रकार से आप बना दो तो इसका मतलब मैंने आपको कहा था गणित में सिर्फ एक सवाल करके आओगे आप पास हो जाओगे। इसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन ही कर लोगे और सही कर लोगे पास हो जाओगे। 26 सीधो चाहिए, तुम्हारी औकात ही बहुत घटा दी बोर्ड ने इस बार, 36 भी नहीं चाहिए, कितने चाहिए 26। और मेरा ये मानना है देखिए, और मैं पहले से मैं घोषणा कर रहा हूं आपको, इस साल का रिजल्ट क्वालिटी में सबसे बेस्ट रहेगा पिछले 25 सालों का, क्योंकि कोरोना में इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ रहे हैं। अर्थात कि जिस टैलेंटेड बच्चे को 100% पढ़ना पड़ रहा था वो टैलेंटेड तो कोरोना आने से कम हुआ नहीं, वो तो टैलेंटेड है ही है। वो क्या कर रहा है कि उतने ही समय में सिर्फ 50% कोर्स उसे पढ़ना है, और 50% कोर्स तो एक महीने का मामला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको पूरी तरह से गोलगे पी जाएगा। इसलिए इस बार जो है 100 out of 100 मतलब 100% वाले भी होंगे, 99% वाले भी कई सारे होंगे, जो टॉप के जो मेरिट वाले होंगे ना 1 से लगा के 10 तक उनका आंकड़ा होगा देखना आप 100% या 99%, उसके बीच में ही 10 टॉपर होंगे, एक एक नंबर का फासला होगा, 99.96 है कोई, 99.39% है, इस प्रकार के मेरिट वाले होंगे क्योंकि उन बच्चों को तो मौका मिला है। यू विल बी वन ऑफ देम, तुम भी हो सकते हो, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। और आप तो क्या लंबी तान के सोने वालों में से हो, मतलब एक तो आप एक रेस्ट जोन में हो, अभी चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, रेस्ट जोन में, मतलब ये कि भगवान ने कोरोना तो वरदान बना के दे दिया, मोदी जी ने कहा भी है ना आपदा को किस में बदल दो, अवसर में बदल दो, पर बदलेगा कौन, हम कोई मंगल ग्रह से एलियन आके नहीं बदलेंगे। क्लियर, चलिए दसवीं वाले आप।
ज्यादा ही लिखूंगा।